परासिया के लोगों ने बिजली कटौती की समस्या से तंग आकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जनपद उपाध्यक्ष जमील खान के नेतृत्व में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बिजली कटौती बार बार की जाती है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि कटौती को बंद किया जाए और बिजली रेगुलर दी जाए, वरना सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूरे परासिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में बिजली कटौती अघोषित हो रही है, जिसके चलते आज हमने माननीय डी साहब को ज्ञापन सौंपा है, माननीय डी साहब को भी दिया है। और ये जो कटौती रोज शाम को हो रही है, 1.5 घंटा कभी बंद हो जा रही है, कभी 2 घंटा बंद हो जा रही है, दिन में बंद हो रही है, और कोई कारण नहीं बता रहे स्पष्ट होते कि कारण क्या है, और जो कारण बताते हैं वो कोई कारण नहीं हो सकता। तो हमने आज इनको ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया है कि आप ये बिजली कटौती बंद करें। हमारे सभी व्यापारियों को, सभी नागरिकों को, शिक्षक शिक्षिका, जो हमारे बच्चे जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये कटौती किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए, बंद किया जाए। चाहे ये ऊपर बात करें, जहाँ बात करना बात करें, और यदि कटौती लगातार इस तरीके से निरंतर हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस रोड पर उतर के आंदोलन करेगी विद्युत विभाग के खिलाफ में, और समय रहते इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ऊपर से जानकारी मिलती है तो ये बताया जाता है कि ये अर्जेंट मेंटेनेंस के कारण बन चुकी है, इसका कोई वो निश्चित नहीं रहता, मतलब अपने सेक्शन से ज़्यादा पड़ता है, उसके अनुसार ये टाइम टू टाइम कराया जाता है। बात कर लेता हूँ सर, यहाँ पे बताया कि शाम को आगे कन्वे करते हैं कि लोड शेडिंग का क्या बता रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।